अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी दुआ के साथ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आज जो है क्या बन रहा है, आज मैं आपको बताती हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी अपने स्टाइल में। तो ये जो चिकन कढ़ाई मैं बना रही हूँ, ये बनेगी थोड़ी सी ग्रेवी के साथ, मतलब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होगी, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर जो है मैंने एक कढ़ाई ले ली है, लोहे की मैंने कढ़ाई ली है यहाँ पे। तो सबसे पहले डालते हैं इसमें ऑयल। अच्छा, लोहे की कढ़ाई, अगर आपको अपनी कढ़ाई ज़रा अच्छी बनानी हो, टेस्ट में टेस्टफुल बनानी हो, तो उसकी एक छोटी सी टिप ये भी है कि आप ले लें लोहे की कढ़ाई। तो लोहे की कढ़ाई जो है, आपने देखा होगा, बल्कि आपने खाया भी होगा कि जितने भी जो ढाबे स्टाइल कढ़ाइयाँ हैं वो सारी जो है लोहे की कढ़ाई में ही कढ़ाई बनाते हैं। तो इसका जो है एक अपना ही एक अलग टेस्ट आता है। तो ये एक छोटी सी टिप दे दी। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन भी चूल्हा ऑन कर दिया, इसका ये गर्म हो रहा। इसमें मैं क्या डालती हूँ आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम प्याज थी और एक ये तेज पत्ता था, डाल देते हैं अपनी कढ़ाई में। और इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जो है सौते करना है और उसके बाद जो है हमने अपनी चिकन इसके अंदर डाल देनी है। तो कढ़ाई जो है आपको पता है बहुत ही डिफरेंट किस्म की कढ़ाइयाँ बनती हैं और बेशुमार जो है कढ़ाइयों के तरीके हैं। तो बस कुछ ना कुछ तजर्बे मैं भी करती रहती हूँ इस तरह के। तो आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी कढ़ाई। अगर आपको ज़रा ग्रेवी वाली कढ़ाई चाहिए हो ना, तो आप ये वाली कढ़ाई एक दफ़ा बना के देखें। इसमें आपको थोड़ी ग्रेवी मिल जाएगी, आप इसको राइस वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास तकरीबन जो है वो 1.5 किलो की एक चिकन है और ये ले लिए मैंने, आम बोटियाँ करा लें जैसी होती हैं चिकन की। अच्छा, बस हल्का सा इसको सौते करना। और यहाँ पर जो मैंने पैन रखा है इसके अंदर हमने डालना है ये साबुत धनिया, हम डाल देते हैं इसमें हल्का सा। हमने इसको तकरीबन हम डालते हैं इसके अंदर 2 जो है टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून ये भर के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सफ़ेद जीरा। और यहाँ पर मैंने कुछ ले ली है 15-20 के करीब एक काली मिर्चें हैं, ये ले ली। तो इसको जो है हम हल्का सा जो है वो करेंगे रोस्ट इन दोनों चीज़ों को, और फिर इसको जो है हम कर लेंगे अपने इसमें। मैं छोटा वाला ही मेरे पास ग्राइंडर है, इसमें मैंने अभी जीरा ही पीसा था, तो मैं इसमें डाल दूंगी इसको। इसको मैं काली मिर्चों के साथ, काली मिर्चें भी मैं इसी में डाल देती हूँ, और फिर इसके साथ जो है मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। बहुत फाइन ग्राइंड नहीं करना, हमने थोड़ा सा जो है वो दरदरा सा इसको रखना है। अच्छा, रोस्ट भी हमने इसको बहुत काला नहीं करना है, हल्का सा जब खुशबू आने लगेगी तो हमने इसको जो है निकाल लेना। ये देखें हल्का सा मैंने प्याज को बस सौते कर रही हूँ मैं, फिर मैं इसमें डाल दूँगी चिकन, और फिर चिकन को हम इसके अंदर ऑयल में जो है वो करेंगे फ्राई इस प्याज के साथ। तो बस इसी पॉइंट पे डाल देती हूँ मैं अपनी चिकन।
और अब मैंने इसको अच्छी अच्छी तरीके से जो है बिल्कुल भुनाई करनी है। ये भी मैंने हल्की आंच पे बस रखा हुआ है, इसमें से खुशबू आने लगेगी तो मैं इसको कर दूंगी बंद और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। अच्छा, इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। अभी फिलहाल मैं डाल दूंगी तो तकरीबन 1 टीस्पून और थोड़ा सा जो है और ले लेती हूँ। ये मेरे पास टेबल स्पून है लेकिन मैंने अंदाजे को उसका ही डाल दिया। बस इसको अब हम जो है अच्छी तरीके से भूनेंगे इसको, इसी ऑयल में और इसी प्याजों के साथ हमने इसको अच्छा अच्छे तरीके से लाइट सा ब्राउन का हो जाए हमने इसको इतना भून लेना। ये दोनों काम करती हूँ मैं, इसकी भुनाई करती हूँ और इसकी करती हूँ पिसाई और फिर आपके साथ मिलती हूँ थोड़ी देर तक। मेरे साथ रहें, मिलेंगे हम थोड़ी देर तक। तो व्यूवर्स देखें, चिकन जो है हमारी अच्छी तरीके से जो है भून चुकी है नमक के साथ और जो प्याज मैंने डाली थी उसके साथ। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। तो डालते हैं इसमें लहसुन अदरक, ये मैं डाल रही हूँ 1, 2 और ये 3 टेबल स्पून जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर। थोड़ा सा इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करके अब हमने इसमें जो मसाले डालने हैं यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। मैं लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें से लूँगी हल्दी। बाकी हमारे जो ये 3 मसाले पिसे हुए थे, धनिया भुना हुआ, कुटा जीरा भुना हुआ और काली मिर्च, अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपना ये हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और यहाँ से मैं लेती हूँ 1 टीस्पून, क्योंकि 1 टीस्पून का जो है वो जो पैमाना बिल्कुल सही रहता है। अब इसमें से मैं डालूँगी 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, साथ मेरे पास ये दही है तकरीबन 1 कप अच्छी तरह फेंट के, ये इसमें डाल देंगे ताकि ये इसी में दही के पानी में जो है वो भुनना शुरू हो जाए। और अपने जो ये 3 मसाले हैं ये भी इसमें डाल देंगे और इसमें से अभी से ही जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छा, इसको भूनेंगे थोड़ा सा, इसी दही के पानी में हमने इसको भून लेना है। क्योंकि दही जो है अपना ही पानी ज़्यादा छोड़ता है तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा फ्लेम कर देते हैं तेज़ ताकि जो हमारा ये दही का पानी है इसके साथ खुश्क हो जाए।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसका है वो हमने क्या करना है। यहाँ पर है, मैंने ये देखे इस साइज के टमाटर ले लिए 6 अदद। अब मैं इसको रफली काट के इसमें जग में डाल दूंगी और इसको कर लूंगी थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लूंगी। मतलब इसको हमने इसमें पीस लेना है टमाटर को, इसकी प्योरी सी हमने बना लेनी है। अच्छा, इसको भूनती हूँ, टमाटर की प्यूरी मैं तैयार करती हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने क्या करना है। साथ ये भी भुन रहा है, इसको इसी तरह हमने इसी फ्लेम पे जो है दही का पानी जो है खुश कर लेना है भुनाई के साथ। साथ मैं पीसती हूँ अपनी ये टमाटो प्यूरी बनाती हूँ, फिर मैं आपके साथ फर्दर शेयर करती हूँ। मेरे साथ रहें, मेरी पूरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर थोड़ी देर में। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ये देखें, हमारी चिकन जो है उसमें से जो ये ऑयल है इसका दही के पानी में ये अच्छी तरह भून रही थी, तो ये अब जो है वो भून चुकी है, इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। इसका यही मतलब होता है कि ये भून चुका है। अब जो है मैंने टोमेटो प्यूरी बनाई है, ये देखें, मैं अब डाल देती हूँ ये अपनी चिकन के ऊपर। इसको मैं करती हूँ मिक्स। और इसका जो है अब मैं कर देती हूँ फ्लेम जो है बिल्कुल लो फ्लेम, हल्की आंच पे। इसको मैं ढक्कन ढक के जो है पकाऊंगी इसके गलने तक। फ्लेम मैंने लो कर दिया है और अब जो ये टोमेटो प्यूरी मैंने इसके अंदर मिक्स की है, ये इसी के अंदर जो है चिकन गल जाएगा। और फिर इसके अंदर मैंने क्या डालना है क्या एंड में, वो भी आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगी। तो अभी हम इसको गलने तक जो है चिकन को ढककर पकाते हैं। चलें, इसको मैं पकाती हूँ ढक गलने तक, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूवर्स, 15 से 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि आप कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, कलर तो इसका अच्छा सा निकला है, पानी भी तकरीबन इसका टमाटर वाला ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये अब डन है। तो अगर ऑयल ज़्यादा लगे तो बाद में हम इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है फिर वो सही भुनती ही नहीं है अगर हम सही ऑयल नहीं डालते तो। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने फाइनली क्या डालना है, यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 4-5 मैंने ये गोल वाली मिर्चें ले ली हैं, 4-5 मैंने ये हरी मिर्च ले ली है, थोड़ी सी जूलियन कट जो है मैंने अदरक ले लिया है। ये इसके ऊपर हम डाल देते हैं सारी चीज़ें और इसको 2 मिनट के लिए बस मैं रखूँगी दम के ऊपर, और उसके बाद जो है ये रेडी हो जाएगी हमारी चिकन ग्रेवी वाली कढ़ाई। इसका नाम भी मैंने खुद ही रख लिया है। ये देखें, ये गोल मिर्च है, ज़रा इसकी खूबसूरती भी लगेगी इसके अंदर। और पहले मैंने ये इसलिए नहीं डाली कि ये कहीं तेज़ ना हो जाए, मतलब ये तेज़ होती हैं, और मैंने कुटी हुई मिर्चें भी डाली हैं, इसलिए मैंने इसमें अब इसको लास्ट पॉइंट पर जो है मैंने इसको डाला है। बस इसको 2 मिनट करते हैं दम के ऊपर और फिर इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। मेरे साथ रहें, मिलेंगे हम थोड़ी देर तक।
तो व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं और अब टाइम आ चुका है इसकी फाइनल लुक दिखाने का। चूल्हा करती हूँ ऑफ और अब जो है ये बिल्कुल डन हो चुकी है। तो इसको खोलते हैं बिस्मिल्लाह करके और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ग्रेवी वाली कढ़ाई जो है वो रेडी है। शक्ल से आपको कैसी लग रही है? तो उम्मीद करते हैं कि खाने में भी इंशाल्लाह इतनी अच्छी होगी जितनी ये देखने में लग रही है। तो एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं। मैंने ग्रेवी के साथ इसलिए बनाई है कि मेरा इरादा था कि मैं थोड़े से राइस भी बनाऊँगी, तो मैंने इसलिए जो है ये ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई बनाई आज। तो उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कर दिएगा। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ढेरों ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।